कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा को पीएम मोदी से सीमा विवाद पर सवाल पूछना भारी पड़ गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कुछ वैसे ही सवाल पूछे जिस तरह के सवाल गांधी वाड्रा परिवार हर दिन पूछ रहा है। यूजर्स जो हाल राहुल गांधी का करते हैं, कुछ उसी अंदाज में शत्रुघ्न सिन्हा से भी पेश आए। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ट्वीट में लिखा कि माननीय पीएम मोदी सर, भारत चीन की स्थिति पर हमारे लोगों में इतना विरोधाभास क्यों है? ऐसा लगता है कि देश भ्रमित है और उसे नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। प्रसिद्ध अभिनेता और राजनीतिक कार्यकर्ता कमल हसन ने यही कहा। शत्रुघ्न सिन्हा के इस पोस्ट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, परेशान मत होइए, पटना के जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है उनको प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, आप ट्विटर पर लिखकर लोगों का मनोरंजन करते रहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि रुकिए, हमारे बीच किसी भी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है, हम मोदी सरकार और भारतीय सेना से पूरी तरह से आश्वस्त हैं। एक ट्विटर अन्य यूजर ने लिखा कि आप बीजेपी छोड़ते वक्त दुविधा में थे कि कांग्रेस में जाएं या आरजेडी में या फिर जेडीयू में, फिर आप एमपी भी ना बन सके। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी छोड़कर शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस के लिए जगह जगह घूमकर प्रचार प्रसार किया, लेकिन कांग्रेस की तरह वे भी पटना साहिब सीट से चुनाव हार गए। इन दिनों कांग्रेस में उनको किनारे लगा दिया गया है।